निर्भरता के साथ। नमस्कार, कारदम कार्बी अंगलोंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिजय रोहंग और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता कार्बी अंगलोंग नॉर्थ ईस्ट, और हम आपको पहुंचाने जा रहे हैं इस वक्त तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। 23 संगठनों ने मिलकर असम के डिफू सिंचाई विभाग पर उठाया है बहुत ही बड़ा और चौंका देने वाला मुद्दा। सारे संगठनों के सम्मेलन में योजना के बारे में विभाग के साथ चर्चा करने पर इस सिंचाई विभाग असम डिफू और योजना कार्यान्वयन किया जा रहा ADDI चीफ इंजीनियर जोन 4 इरिगेशन असम डिफू आरंभिक कार्यालय पत्र नंबर ACEI जोन 4/BI/I/2017-18/PT/55 तारीख 6/4/2018। विभाग ने जानकारी प्रदान किया कि MOU के तहत शामिल किया गया AIBP 2013 से लेकर 2014 से लेकर 2015 के वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2016 मार्च को पूरी तरह से योजना का कार्य संपूर्ण होने का दावा किया गया। पर हम आपको बता दें कि संगठनों ने स्थल पर जाकर सर्वेक्षण किया गया, जांच के बाद असलियत पर से पर्दा उठा। जितने भी जानकारी विभाग के द्वारा प्रदान किया गया उस पर से 90% से भी ज्यादा कार्य अभी तक है अधूरा। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, योंगडिसा ISPH 2 योजना अधूरा, अमतुक अपाम FIS योजना अधूरा, लोअर लॉन्गचिटिंग FIS योजना अधूरा, लंग एक्सो FIS योजना अधूरा, बुरा तेरोन FIS जैसे कई सारे कार्यान्वित किया गया योजना कार्य अभी तक है अधूरा। और हम आपको बता दें कि ऐसे कई सारे योजना के कार्य है जो अभी तक खत्म तो क्या आरंभ तक नहीं किया गया, जो कि योजना लगभग अंत होने के कगार पर है। जैसे कि दोलोंग आदोंग IS योजना, रुई आदोंग IS योजना जैसे कई सारे कार्य जिसका शुरुआत नहीं किया गया। कुल मिलाकर 124 नोड के MI योजना जिसका कुल राशि है 43,624.45 लाख रुपए यानी 43,624.45 लाख 60 नोड के MI योजना का, और 47,145.80 लाख रुपए जो कि है 64 नोड के MI योजना का यानी कि 47,145.80 लाख। इस मुद्दे को लेकर 23 संगठनों ने मिलकर डिफू के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पर पत्रकार सम्मेलन बिठाया गया। UFC के अध्यक्ष विदा सिंह रोपी, AISA के सचिव रंजित क्रामसा, कत्सा के अध्यक्ष सैमसोनिंग ने चेतावनी के तौर पर कहा कि अगर मुद्दे की मांग पर अमल नहीं किया गया तो आगे चलते दिनों में जोरों शोरों से मुद्दे पर आंदोलन छिड़ा जा सकता है। हम आपको दिखा रहे हैं इस 23 संगठनों के नाम। UPSC, KATSSA, NSM, KAYO, KASDO, LYDC, AJD, RYA, KAYDC, YAAC, KHDRC, UPKA, UKYDC, UKAWA, AYUKA, HPU, SYJ, HDDS, AISA, KAWJF, KYDO, KAPRPC, UKYA। ये थे 23 संगठनों के नाम। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीतम तरण के साथ रोहित तरंग, रिपोर्ट निहांग निर्वाता कार्बी अंगलोंग नॉर्थ ईस्ट। निर्वाचिका सभा की तरफ से पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ये क्लियरली कहना चाहते हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में माइनर इरिगेशन स्कीम अंडर AIBP 2013 और 14 60 नोस और 2014-15 जो 64 नोस, इसके अगेंस्ट फॉर जो फाइनेंशियल ईयर का हिसाब से जो सरकार या डिपार्टमेंट ने सरकार को ये रिपोर्ट किया है कि 100% फिजिकली कंप्लीट हो चुका है बोलते उन लोगों का स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू MOU एग्रीमेंट। तो उस हिसाब से हम लोग जो हम लोग के पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर हम लोग स्पॉट वेरिफिकेशन करने गया और वहाँ पे देखा फिजिकली कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग पिछला 15 फरवरी को हम लोग यहाँ पे 23 ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग जाके कंप्लेंट लेकर फाइल किया है। हम लोग तो हम लोग डिपार्टमेंट को ये बोला कि उस
लेटर के अगेंस्ट पर आप लोग का डिपार्टमेंट रिप्लाई होना चाहिए और विद इन 24 आवर्स एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए बोल के हम लोग डिपार्टमेंट को बोल के आए हैं, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दी और कोई डिपार्टमेंट रिपोर्ट भी नहीं दिया, तो उसके लिए हम लोग कंडेम करते हैं डिपार्टमेंट को। और सबसे पहले ये कि इस स्कीम के आधार पर जितने भी फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है उसको पेमेंट ना देने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट को कंप्लेंट भी दिया और गुजारिश मीडिया के थ्रू और हम लोग गुजारिश करता है, तो इस पेमेंट नहीं देना चाहिए बोल के हम लोग कंप्लेंट भी दिया है और फाइल भी किया है और ये होना चाहिए बोल के हम लोग का मांग है। और जो जितने भी इनकम्प्लीट स्कीम है माइनर एजुकेशन स्कीम के अंदर से जो AIBP के अंदर से जो उन लोग ने जो स्कीम दिया है, एक नंबर यंग वीसा IS स्कीम इनकम्प्लीट, अमचुक अपाम FIS स्कीम इनकम्प्लीट, लोअर लंगचिटिंग FIS स्कीम इनकम्प्लीट, लांगेटसो FIS स्कीम इनकम्प्लीट, बुराटेरन FIS स्कीम इनकम्प्लीट। ये हम लोग फ्रेश नोट के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियरली इन सब जगह पे फिजिकली उन लोग MOU इधर पर आधार पर कंप्लीट गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिया, लेकिन ये सब जगह में इनकम्प्लीट है। किंतु 2013 2015 वर्ष फाइनेंशियल ईयर जी AIBP स्कीम गवर्नमेंटे निर्देश दिया मते তেওঁলোকে ফিল পেলায় জাগাত গৈ পেলায় তেতিয়াহে তেওঁলোকে কমপ্লিট হৈছে না আনকমপ্লিট হৈছে ইনকমপ্লিট হৈছে এইটো কথা স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে লিখিব লাগিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে চাকৰি দৰমহা খাইহে বহি আছেনে না তেওঁলোকে ব্যক্তিগত কিবা কামৰ কাৰণে লাগি আছে সেইটো আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াবিলাকক আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। 2016 চনত 31 মাৰ্চত তেওঁলোকে MOU বুলি তেওঁলোকে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলে যে 2016 মাৰ্চ 31 তাৰিখলৈকে কমপ্লিট হ'ব বা কমপ্লিট কৰিম বুলি, কিন্তু কোঠাৰেৰে কলম কাগজেৰে তেওঁলোকে কমপ্লিট হ'ল বুলি দেখাইছে, কিন্তু আজিলৈকেওতো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। কৃষক সমাজখনে ইয়াত কোনো একো সা সুবিধা পোৱা নাই, গতিকে সেইটোৱে আমি সুকীয়নি দিব খুজিছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট বিষয়াসকলে, চেণ্ট্ৰেল স্কীম চেণ্ট্ৰেল আঁচনিখন তেওঁলোকে অপমান কৰিছে, জনসাধারণের কারণে অপমান করেছে। ইয়ার কার্বি আংলং জেলাখনের জনসাধারণের কারণে অপমান করেছে বলে আমি কব খুঁজি। গতি অনাগত দিনবর হয়তো আমি জঙ্গি আন্দোলন উঠি আসবেন